फिर एक नया दिन, कुछ नया काम करने के लिए, प्रभु के काम करने के लिए हम आज घर से निकले हैं। आप वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह, गुड मॉर्निंग। आज का दूसरा वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। कल सही में प्रभु ने काफ़ी आशीषित किया, कल का दिन सही में अच्छा था और आप लोग हमारा वीडियो को देखे, लाइक किए और चैनल को सब्सक्राइब किए, इसलिए धन्यवाद। आज एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं पास्टर हिमांशु शेखर उड़ीसा से हूँ। आज हमने जैसे मॉर्निंग में उठा तो हमने कुछ समय बाइबल अध्ययन में कुछ बिताया, कुछ समय हमने प्रार्थना में बिताया, फिर सोचा कि आज क्या किया जाए। फिर ऐसे शाम को तो ऐसे दूसरा प्रोग्राम है, लेकिन सुबह क्या काम करें। तो हम, मेरा एक छोटा सा ज़मीन है गांव में ही, तो वो काफ़ी समय से इसे बंजर पड़ा हुआ है और मैं आपको वो ज़मीन भी दिखाऊंगा। तो मैं सोचा वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या वहाँ पे खेती कर सकते हैं, क्योंकि अभी खेती करने का समय आ गया, बारिश का समय आ रहा है, मौसम पहुँच रहा है। तो उससे पहले वो उसको हल से जुतवाएंगे और उसमें देखते हैं क्या, कुछ भी तो लगाना पड़ेगा, कुछ भी तो उगाना पड़ेगा। तो इसलिए हम आए हैं, देखते हैं खेती करेंगे इस साल वो ज़मीन में और देखते हैं प्रभु का आशीष वो खेती में रहेगा और भरपूरी से हम जैसे कुछ फसल उगाएंगे ये साल जो ज़मीन खाली पड़ा हुआ है। अब प्रभु ने बात किया कि हम वो ज़मीन में जाएंगे, हल जुतवाएंगे और कुछ बीज डालेंगे, तो प्रभु उसको आशीषित करेगा। और आज के वीडियो में हम आप हमारे साथ जुड़े रहें तो हम आपको और भी दिखाएंगे कि आज हम क्या क्या किए, कहाँ गए, क्या कौन से जगह में क्या हमने किया आज के दिन में। तो वैसे ही वीडियो के साथ बने रहे और वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम दिखाते हैं आपको खेती, हमारा खेती कहाँ पे है और हम क्या करेंगे पहले उसमें जाके, और देखेंगे कि सिचुएशंस क्या है। अभी पानी गिरा है, इतना पानी में हल लगेगा कि नहीं, तो उसका चलिए मुआयना करते हैं। आप भी वीडियो के साथ बने रहिए, देखिए। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ज़मीन है, यहाँ पे इतना सारा ज़मीन है और पीछे भी है, बहुत पीछे भी है। अभी तो इतना पानी नहीं गिरा है कि यहाँ पे हल लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा है, करीब 70 सेंट से भी ज़्यादा, 70 सेंट से भी ज़्यादा होगा। तो हम सोचते हैं कि इस साल इसमें कुछ उगाएंगे और कुछ सब्जी हो गया, नहीं तो कुछ भी यहाँ पे खेती करेंगे, तो जिससे हमको थोड़ा मदद मिले। खेती करने से ऑब्वियस घर में थोड़ा मदद भी होता है। तो हमारा दूसरे भागों में भी खेत है, लेकिन यहाँ से मेरा गाँव से 12-13 किलोमीटर दूर है, तो वो हमने दूसरे को दिया है। तो वो जो खेती करते हैं और उसको धान देते हैं। और हमारा गन्ने का भी खेत है, करीबन गन्ने का 2 एकड़ ऐसा है जहाँ पे हमारा हर साल गन्ना होता है। वो भी हम खुद नहीं करते हैं, वो दूसरे को दिए हैं। तो जैसे कि वो लंबा है और जाने आने में दिक्कत रहता है, और आजकल फिर देखते हैं कि काफ़ी सारे जो लेबर का भी समस्याएँ हैं, तो उसके लिए हमने दूसरे को दिया है कि वो पास में जो रहेंगे वो खेती करेंगे, गन्ना हो या धान हो जो भी हो, और उससे आधा हमको देंगे और आधा वो लेंगे। तो उसे, और ये जो ज़मीन है पास में ही, मेरा घर से पास में ही है और 1 किलोमीटर होगा, आप देख सकते हैं। इसमें अभी जैसे ही पानी थोड़ा गिरेगा, पानी बारिश आएगा, मानसून वैसे भी पहुंच रहा है, पहुंच गया ऑलरेडी, केरला पहुंच गया। तो जैसे ही पानी गिरेगा तो हम इसमें ट्रैक्टर लाएंगे, हल लगाएंगे, फिर देखते हैं क्या इसमें हम उगाई कर सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि बीड़ी डाल देंगे, नहीं तो कांदूल हो गया, तो डालेंगे और खेती करेंगे ये साल। हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए कि ये साल में बहुत उपजा, ये ज़मीन में अगर हम खेती करेंगे तो उपजाऊ बने रहे, और जो भी हम डालेंगे बीज इसमें उसका भरपूरी से जैसे फसल आने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना कीजिए। वैसे ही ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज़मीन है और इसमें हम सोचते हैं। और आज के वीडियो में हम और कुछ आप चीज़ को आपसे बात करेंगे कि क्या एक पासवान को, पासवान के अलावा वो भी कुछ करना ज़रूरी है। आज के समय में आप देखते हैं कि कोई कोई फुल टाइम सेवा में है और कोई कोई पार्ट टाइम, मतलब
थोड़ा तो सेवा करते हैं और थोड़ा उनका अलग काम रहता है, भले बिजनेस करते हैं, जॉब्स करते हैं और थोड़ा समय सेवा करते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि क्या एक सेवक प्रभु का सेवा करेगा और क्या उसको और दूसरा कार्य करना जरूरी है क्या, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे और इसके बारे में और एक पास्टर से जानकारी लेंगे कि उनके मन में क्या सोच है कि प्रभु की सेवकाई के साथ और क्या कर सकते हैं और ऐसा क्या काम है जो हम कर सकते हैं हमारे परिवार को देखने के लिए, हमारे बेटा बेटी को देखने के लिए, क्योंकि हमारे काफ़ी सारी ज़रूरत रहता है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर हम चलते हैं, परिवार में हो गया और बच्चों का एजुकेशन हो गया, फैमिली मेंटेनेंस हो गया। तो हम बात करेंगे इसके बारे में, आप वीडियो के साथ बने रहें और हमारे ये जो खेती है उसके लिए आप प्रार्थना भी कीजिए कि ये चल हम जो भी फसल बोएंगे यहाँ पे वो भरपूरी से आने पाए। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और हम अभी घर जाएंगे, घर से आज का शेड्यूल देखेंगे कि क्या है आज का शेड्यूल, क्या है आज का प्रोग्राम, फिर आपके साथ फिर हम जुड़ेंगे। हेलो एवरीवन, फिर से अभी सुबह हम खेती में गए, अभी फिर न घर में जाए गए, फिर नहाए धोए, फिर हम अभी फिर से निकले हैं कार लेके यहाँ से, मेरा गांव से 8 किलोमीटर बामनी एक जगह है, एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे जा रहे हैं। विशेष करके वहाँ पे जो पास्टर है, जहाँ पे जो पासवान है, उन्होंने मेरे को 2-3 दिन पहले फ़ोन किया था कि वहाँ पे उनका चर्च का जो कंडीशन ठीक नहीं है, वो चर्च टूटने वाला है, तो पानी गिरेगा तो वो बहुत ही डैमेज है। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा आप आइए देखें हमारा चर्च और थोड़ा होगा तो कुछ भी मदद के लिए वो बोले। तो हम बोले ठीक है, हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे और देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। वैसे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु ने चाहा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। हालेलुया। तो हम उसी के सिलसिले में ही बामनी के लिए निकले हैं, हम जा रहे हैं बामनी और देखेंगे वहाँ पे कि चर्च कैसा है और वहाँ पे जो भी भाई बहन रहेंगे उनके साथ बात करेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे कि गांव कैसा गांव है और वहाँ पे कितना विश्वासी है, हमारे लोग कितना है और हम वहाँ पे उनके लिए क्या कर सकते हैं, है ना। ज़रूरी बात है कि वहाँ पे पास्टर बता रहे थे कि वहाँ पे उनको एक नया चर्च बनाना है, तो सब मिलके वहाँ पे बात कर रहे हैं कि वहाँ पे चर्च एक नया बनाएंगे। तो देखते हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मदद करेगा, अगुवाई करेगा, जो भी रिसोर्सेस है उनका, तो हम भी उसमें कुछ हमारा योगदान रहेगा, योगदान करेंगे। और तो हम अभी निकले गांव से बामनी, मेरा गांव कोसागुमड़ा से हम जा रहे हैं बामनी। वहाँ पे हम थोड़ा टाइम देंगे, वहाँ पे जो विश्वासी हैं उनके साथ कुछ बात करेंगे, चर्च को देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आप हमारे ये वीडियो के साथ बने रहें, हमारा काम मेरा खुद का चर्च है कोसागुमड़ा में, न्यू लाइफ चर्च, वहाँ का हम देखभाल करते हैं और काफ़ी सारी जगह में जाके प्रभु का सेवा भी करते हैं। आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि हमारा चर्च प्लांटिंग का मिनिस्ट्री चलता है, हम चर्च प्लांटिंग करते हैं जहाँ पे चर्च नहीं है, जो गांव में चर्च नहीं हुआ है तो वहाँ पे चर्च के लिए भी हम आगे आते हैं। तो जहाँ पे सताव होता है वहाँ पे भी हम आगे आके काम करते हैं। तो ऐसे ही इन 3-4 सालों में हमने बहुत सी सताव वाले पास्टर्स उनके परिवार को मिला, और इससे कि हम मालकानगिर गए, हम रायगढ़ गए, जैसे छत्तीसगढ़ गए, इससे बहुत सी जगह पे सताब में हम काम कर रहे हैं और हमारा चर्च को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जहाँ पे हम जो एरिया में मैं रहता हूँ वो एरिया में बहुत ऐसे पासवान हैं जो अच्छे हैं और हम मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं सेवा में और जो कोई भी माध्यम में एक दूसरे को हम उत्साहित करते हैं और सेवा को कैसे एरिया में आगे बढ़ाएंगे
वो हमारा लक्ष्य है, हर गांव में पहुंचना, हर गांव में सुसमाचार सुनाना, हर गांव में कलीसिया रोपण करना, ये हमारा लक्ष्य है। आज के दिन में हम यही काम में बिजी रहते हैं। जहाँ पे भी हमको बुलाया जाता है हम जाते हैं, जहाँ मीटिंग हो, जहाँ पे फेलोशिप हो, प्रार्थना हो, विजिटिंग हो, तो हम निकल जाते हैं सुबह से ही नहा धो के। कुछ समय हम प्रार्थना में रहते हैं, कुछ समय हम बाइबल अध्ययन भी करते हैं, और फिर उसके बाद हम हमारा जो डायरी है वहाँ पे शेड्यूल्स क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड ब्लॉग आप लोग के लिए हम लेके आए हैं। तो वैसे तो ये ब्लॉग बनाने का रीज़न है कि हम आपको कुछ उत्साहित कर सकते हैं, और ये नहीं कि हम अपने बारे में आपको दिखा रहे हैं, नहीं, हम चाहते हैं कि आप कुछ मोटिवेट हो मिनिस्ट्री में, सेवा में, प्रभु का सेवा में कुछ करें आगे आके। और हम चाहते हैं आप हमसे जुड़े, क्योंकि हम साथ मिलके सेवा कर सकते हैं ना, प्रभु के राज्य बढ़ा सकते हैं और जैसे और आगे ले जा सकते हैं। जो भी क्षेत्र में आप क्यों ना रहें, आप भले कोई भी राज्य में रहे, कोई भी जगह में रहे, कहीं भी ग्रुप में रहे, लेकिन हम एक परिवार है, मसीह परिवार, और मसीह परिवार का अर्थ होता है कि एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे को एनकरेज करें, उत्साहित करें, और प्रभु का राज्य बढ़ाने का मदद करें, है ना। तो आइए हम चलते हैं, अभी बामनी गांव चलेंगे, देखेंगे वहाँ पे कलीसिया का क्या स्थिति है, और हम कलीसिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना, और वहाँ पे लोगों के लिए भी, लोगों से भी मिलेंगे, और देखते हैं। तो ब्लॉग के साथ आप बने रहिए और दुआ कीजिए कि होगा तो उधर से हम उधर पास्टर्स पास्टर्स के साथ भी हमारा मिलने का है, तो मैंने उनको कॉल किया है। तो देखते हैं आगे, आप ब्लॉग के साथ बने रहिए, और कल का भी हमारा एक प्रोग्राम है, एक सताव एक पास्टर्स को सताव हुआ, फिर उसको पुलिस स्टेशन हुआ, फिर उसको कोर्ट में पेशी करा, पेशी है। तो कल विशेष करके आप प्रार्थना कीजिए, पास्टर उत्कर्षण जो मेरे साथ कल था जगदलपुर जिसके साथ हम गए थे, तो उसका पेशी है कल, उसको नवरंगपुर कोर्ट में जाना है प्रोसिक्यूशंस के लिए, उसको बुलाया गया है। तो आप ये ब्लॉग में बने रहिएगा और हम उसके बारे में और बात कर लेंगे, है ना। ठीक, बहुत ही ख़राब है, बहुत साल से ये एरिया में है आते हैं, रोड अभी तक बना नहीं है, और नहीं बनाने का रीज़न क्या है हमको अभी तक पता नहीं है कि ये रोड्स क्यों नहीं बन रहे। आप देख रहे हैं बहुत खड्डा है, और जब बारिश गिरेगा तो पूरा ये रास्ते में आप नहीं आ सकते, आपका गाड़ी है ना वो ये मिट्टी में लटक जाएगा। तो ऐसे ही रोड को बारिश के टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स होता है, आप फैमिली के साथ आप मोटरसाइकिल में हो या कार में हो सफ़र करेंगे ये से रोड्स में, तो काफ़ी सारा दिक्कत होगा। तो ये हम अभी कुसुमपाली एक गांव है, कुसुमपाली देखें ही बामनी जाएंगे, आप देख रहे हैं, तो थोड़ा रोड ऑफ रोड है, हम अभी मतलब जो मेन रोड से अभी नीचे आए और अभी ऑफ रोड में। देखिए ये बहुत छोटा गांव है, कुसुमपाली है, अभी आप देख रहे हैं हम बामनी गांव में हैं। ये पुराना चर्च जिसको छोड़ जिसको बहुत ही परिस्थिति ये चर्च का बहुत ही ख़राब है, तो इसके पीछे जगह लिए हैं, आप देख रहे हैं इसका पीछे नया चर्च बनाने के लिए फाउंडेशन खोदे हैं यहाँ के जो हमारे चर्च मेंबर्स हैं। तो देख आप देख सकते हैं ये चर्च लंबा 30 फुट है और इसका जो वाइड है 15 फुट। तो देख सकते हैं यहाँ पे काम भी चल रहा है, उन्होंने ऑलरेडी काम स्टार्ट किया है, तो आप देख सकते हैं ये वहाँ के निकल हैं। ये देख फाउंडेशन के लिए बनाया गया है, है ना। हेलो दोस्तों,
आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैं बामनी गया, वहाँ पे चर्च का चर्च में गया और जो चर्च है वहाँ पर बहुत ही छोटा है और बहुत ही ऐसी परिस्थिति में कि जैसे अभी बारिश आएगा तो वो टूटने का संभव है। तो अच्छा बात है कि वहाँ पे जो भी हमारे लोग हैं तो उन्होंने ऑलरेडी फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या वहाँ पे फाउंडेशन ले रहे हैं और ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी वो चर्च को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ कंफर्ट फील नहीं करते उनके सामने, जब हम कैमरा लेके रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो कुछ अलग सोचते हैं, तो हम ऐसे नहीं किए। भले हम वीडियो को रिकॉर्डिंग कर लिए तो आप देख सकते हैं कि पुराना चर्च भी है, पुराना चर्च का भी हमने रिकॉर्डिंग किया है और उसके पीछे ही वो नया चर्च बनाने के लिए फाउंडेशन कर रहे हैं जो आप वीडियो में देखेंगे। तो ज़रूर आप इस चर्च के लिए प्रार्थना कीजिए और हम भी प्रार्थना करेंगे, हमारे द्वारा कुछ भी जो भी कुछ होगा हम उस चर्च को मदद करेंगे और ये चर्च को बनाने के लिए आगे जैसे प्रभु की सेवा में वो भवन, प्रभु का भवन बने, उसके लिए हम मदद करेंगे। चैलेंजेस में वो गुजरे कलीसिया रोपण में, तो अच्छा लगता है बड़ों से सीखना और मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि कैसे हम कुछ नया सीखें, कुछ हम नया जानने के लिए कोशिश करें और जो एक्सपीरियंस है, जो ये काम में माहिर हो, जो सक्सेस है, तो उनसे ही काफ़ी सीखने को मिलता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ उनसे मिलने को, उनसे बातें करने को, कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको, अगर वो रहते हैं तो आपको जरूर पास्टर जी अभी तक उनके नहीं आए हैं तो आने में थोड़ा लेट होगा, तो हम क्या करते हैं फिर कभी आपको मिलाएंगे पास्टर से। तो चलिए हम घर चलते हैं, अभी 12:30 बज रहा है, तो चलिए अब घर चलेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं आफ्टरनून में क्या हमारा रहता है स्टेडियम और सबको मिला के ये वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो आप बने रहिएगा और ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल को और हमारे